वित्त मंत्रालय ने स्विस बैंक से खातों में जमा हुए काले धन के बारे में जानकारी मांगी थी और सूत्रों के मुताबिक स्विस बैंक ने भारत सरकार को जानकारी ये दी है कि स्विस बैंक में जमा रकम में 34% की कमी आई है। जो डेटा पहले रिलीज किया गया था उसमें वो ट्रांजैक्शन भी शामिल थे जो भारत में बैंक की शाखा के जरिए हुए और जो भारत की राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखाओं से स्विस बैंक की शाखाओं में ट्रांसफर हुए, जबकि स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक की शाखाओं में भारतीयों के खातों में जमा राशि में 34% की कमी आई है। तो ये जानकारी सरकार की तरफ से सामने आई है, स्विस बैंक की तरफ से भारत सरकार को यह जानकारी मिली है, काले धन पर यह जानकारी जो भारत सरकार की तरफ से सामने आई, स्विस बैंक में जमा रकम में 34% की कमी हुई है। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी मांगी थी स्विस बैंक से, स्विस बैंक ने भारत सरकार को यह जानकारी दी और अब सरकार की तरफ से जानकारी ये साझा की जा रही है देश के साथ कि स्विस बैंकों में जमा काले धन में 34% की कमी आई है। तो आखिरकार पूरा का पूरा विवाद है क्या, क्योंकि देखिए पहले खबर यह आई कि 2017-18 जो वित्त वर्ष था पिछला, वहां काले धन में 50% की बढ़ोतरी हो गई। स्विस बैंक ने भारतीयों के जमा पैसों का आंकड़ा दिया था। ये पूरा विवाद क्या है हम आपको बता रहे हैं। एक साल में भारतीयों की जमा पूंजी 50% बढ़ने का दावा किया गया था और इसी के बाद स्विस बैंक के आंकड़ों को लेकर विपक्ष ने हमला बोल दिया था। मोदी सरकार काले धन पर लगाम का दावा करती आई है और ऐसे में 50% की बढ़ोतरी स्विस बैंकों में काले धन को लेकर वाकई में सरकार के लिए मुश्किल हो रहा था विपक्ष को जवाब देना। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है सरकार की तरफ से, दावा यह कि स्विस बैंकों में जो जमा राशि है उसमें दरअसल 34% की कमी आई है। हम सीधे रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विकास, जरा समझाइए ये फर्क कैलकुलेशन में क्या है, क्योंकि जो पिछला आंकड़ा सामने आया था उसमें कहा जा रहा था कि पिछले वित्त वर्ष में 50% की बढ़ोतरी हुई है स्विस बैंक में जो पैसा जमा किया गया है, और अब सरकार की तरफ से दावा यह कि 34% की कमी आई है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए जब ये मीडिया रिपोर्ट साइन थी स्विस बैंक के हवाले से, तो उसके बाद भारत सरकार ने स्विस बैंक अथॉरिटीज को संपर्क किया और उनसे इस डिपॉजिट के बारे में, भारतीयों के जमा खाते के बारे में उसमें कितनी रकम है उसकी जानकारी मांगी थी। इसके बाद स्विस बैंक अथॉरिटीज ने साफ कर दिया था स्विस नेशनल बैंक ने कि जो रिपोर्ट पहले, जी विकास जवाब दीजिए, जी जो मीडिया रिपोर्ट्स आई थी उसमें उन खातों की भी जानकारी थी जो भारत में स्विस बैंक के हैं, या उन खातों की भी जानकारी थी जो किसी दूसरे राष्ट्रीयकृत भारतीय बैंक से स्विस खातों में जो रकम ट्रांसफर की गई है। और ये जो जो बीआईएस ने डाटा रिलीज किया था स्विस नेशनल बैंक का, वो ओवरऑल डाटा था, उसमें केवल स्विट्जरलैंड के भीतर उन खातों में जमा राशि नहीं थी, बल्कि जो भारत में स्विस बैंक है या भारत की जो शाखाओं से पैसा स्विस बैंक में ट्रांसफर हुआ था ऑनलाइन, उसका भी डाटा था। और इस वजह से वो एक भ्रम पैदा हुआ कि जो स्विस बैंक है उसमें जो जमा रकम है वो 50% बढ़ गई है। इसके साथ ही स्विस बैंक अथॉरिटी ने भारत सरकार को साल दर साल वो डाटा भी भेजा है जिसमें ये बताया गया है कि 2013 में कुल 2648 मिलियन यूएस डॉलर जो रकम थी वो जमा थी, 2014 में ये घटकर 2234 मिलियन यूएस डॉलर हुई, 2015 में ये और घटी और तकरीबन 1000 मिलियन यूएस डॉलर का अंतर आया और 1447 यूएस डॉलर मिलियन यूएस डॉलर रह गई, 2016 में ये फिर आधी रह गई थी और ये 800 मिलियन यूएस डॉलर हो गई थी, और 2017 में ये केवल 524 मिलियन यूएस डॉलर रह गई है। और इस तरह से इसमें 80% तक की कमी आई है, जो जिसको कहते हैं कि लोकेशन बैंकिंग स्टेटिक्स के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक। लेकिन ओवरऑल जो स्विट्जरलैंड में बैंक खाते हैं भारतीयों के, उसमें जो जमा राशि है उसमें 34.5% की कमी आई है उन खातों में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास भदौरिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये आंकड़ा जो अब सरकार की तरफ से बताया जा रहा है देश को कि दरअसल स्विस बैंक में जो जमा राशि है उसमें 34%
की कमी आई है, लेकिन सवाल ये कि विपक्ष जिस तरीके से हमलावर हो रहा था, क्या उसको सरकार जवाब दे पाएगी इस आंकड़े के साथ? ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।